आज लुधियाना यूथ कांग्रेस की टीम की तरफ से महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें हमारे पंजाब यूथ कांग्रेस के को इंचार्ज संजीता जी विशेष तौर पे पहुंचे हैं। आज पूरे देश में महंगाई की महंगाई को लेके त्राही त्राही हुआ पड़ा है। सुन, नरेंद्र मोदी जितनी देर तक अपना तानाशाह रवैया जो इख्तियार किया हुआ है वो खत्म नहीं करते, जितनी देर तक महंगाई जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है उसको खत्म नहीं करते, उतनी देर तक यूथ कांग्रेस कांग्रेस पार्टी सड़कों पे ऐसे ही प्रदर्शन को तेज करती रहेगी। आप देखिए, जब नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं थे तब बड़े बड़े वादे किए जाते थे कि पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए जाएंगे, महंगाई कम कर दी जाएगी, और आज ये आलम है जब वो सत्ता में आए तो आज ये आलम है कि आज पेट्रोल डीजल के जो रेट हैं वो 100 के पार हो गए। दाल, तेल, दूध, हर चीज़ के रेट आसमान छू रहे हैं।
आज जो दो वक्त की रोटी जो इंसान बड़ी मुश्किल से कमा के खाता है उस पर भी जीएसटी लगा दिया। आटा, दाल, चावल, दूध, हर चीज पर जीएसटी लगा के जो एक आम इंसान की जेब पे जो डाका मारने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है उसको शर्म आनी चाहिए। मैं बार बार यही कहूंगा, जितनी देर तक नरेंद्र मोदी अपना ये जो तानाशाह रवैया खत्म नहीं करते और महंगाई कम नहीं करते उतनी देर तक यूथ कांग्रेस कांग्रेस पार्टी सड़कों तक ही आए। आप देखो, जब सत्ता में नहीं थी स्मृति ईरानी, जब स्मृति ईरानी सत्ता में नहीं थी, बीजेपी की सरकार सत्ता में नहीं थी, तब सड़कों पे बैठा जाता था, अपने बीजेपी वाले कपड़े उतार के प्रदर्शन करते थे। स्मृति ईरानी जी हाथ में सिलेंडर लेके हर चौराहे में बैठती थी कि हमारी सरकार आने पे ऐसा होगा। आज जब उनकी सरकार आज 8 साल से ऊपर हो चुके हैं तो एक बार भी उन्होंने उसके बारे में एक बयान भी नहीं दिया महंगाई के बारे में। क्या लगता आप प्रोटेस्ट किए हैं पर कोई हल नहीं हो रहा? देखो, प्रोटेस्ट करना हमारा हक है, लोगों की आवाज को ऊपर लेके आना, लोगों की बात संसद तक पहुंचाना हमारा हक है, हमारा धर्म है। हम सड़कों पे ऐसे ही प्रदर्शन तेज करते रहेंगे। देखो, आज हर वर्ग के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। आप सभी साथी हैं, हमारे मीडिया के चौथा सितंभ है। आप बताओ कि महंगाई है कि नहीं है? आज एक इंसान को सिलेंडर भराना ही इतना मुश्किल लग रहा है। आज आटा, दाल, चावल, दूध, दही, हर चीज पर जीएसटी लग गया। सो शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। राष्ट्रीय सचिव इंडियन यूथ कांग्रेस संजीता तिहार। देखिए, जिस तरीके से देश में तानाशाही का माहौल है, आज आप देखेंगे संसद में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने एक गरीब आदमी की आवाज, जो कि आज आटे जैसी चीज पे भी इन लोगों ने जीएसटी लगा दी है, ऐसी कोई चीज छोड़ी नहीं है। जबकि ये जब देश में आए थे तब ये एक वादे पे आए थे, बहुत हुई महंगाई की मार। आप सब लोगों ने भी ये सुना होगा, बहुत हुई महंगाई की बार अब की बार मोदी सरकार। तो आज हमारी यूथ कांग्रेस और कांग्रेस की हर एक संगठन सड़क से लेके संसद तक आवाज उठाएगी और गरीब जनता की आवाज उठाएगी। क्योंकि जिस प्रकार एक आटे जैसी चीज, जो कि एक गरीब परिवार के दो वक्त की रोटी तक पे उन्होंने अगर जीएसटी लगा दी है, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार देश में महंगाई से एक आम परिवार जो है अपना घर नहीं चला पा रहा है। जो चीज 40 रुपए की थी, कोई भी चीज आज वो 150 रुपए की हो गई है। तो आज 8 साल में ऐसा क्या हो गया? देश में ऐसी कौन सी ड्रास्टिक वो हो गई कि आज आपने हर चीज पे जीएसटी लगा दिया है? तो ये महंगाई के खिलाफ यूथ, इंडियन यूथ कांग्रेस और पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगी और हमारे साथ आम जन भी उसी तरीके से घर घर तक लोग निकलेंगे बाहर और इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आप देखिएगा 2024 में।